हेलो दोस्तों दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर लोग वीडियो का शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहते हैं कहीं भी, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे, तो कैसे आपको बनाना पड़ेगा लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो, तो उसके लिए क्या करना है सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है, एक एक पॉइंट समझने वाली बात है, ध्यान से देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे और कर पाएंगे लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सिंपली चले जाना है काइन मास्टर में, काइन मास्टर ओपन कर लेंगे। काइन मास्टर ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, क्रिएट क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है और क्रिएट पे फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अब आपको यहाँ क्या करना है, मान लीजिए आप कोई भी वीडियो लेते हैं, जैसे ये वाला वीडियो हमने ले लिया। लेने के बाद अब आपको क्या करना है मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा यहीं से। आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, बस ध्यान से देखना है आपको। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो बनाकर और अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे आप। यहाँ आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कितने टाइम का लेना है, तो हम यहाँ 30 सेकेंड पर क्लिक कर देंगे, 30 ही सेकेंड का हमें लेना है, या 15 सेकेंड कर देते हैं, बस आपको बताना ही तो है। यहाँ से 15 सेकेंड पर क्लिक करिए और यहाँ ट्रिम पे क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। अब ऐसे हो गया आपका, इतना आप टाइम सेट कर लिए 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड का कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है अपने वीडियो पर और इसे चले जाना है, यहाँ पर आपको चले जाना है रोटेट पे। रोटेट पे जाने के बाद आप राइट साइड वाला क्लिक कर देंगे, एक बार क्लिक करने के बाद देखिए इसका रेशियो बन गया इतना में। उसके बाद ये बनने के बाद मतलब लॉन्ग वीडियो ऐसे ही आप कर सकते हैं, इतना करने के बाद मतलब आपको वीडियो अगर पूरा दिखाना है तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसे आप सेव कर लेंगे, आपको यहां से सेव कर लेना है इस वीडियो को, यहां से सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया, फिर हम बैक जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। अब हमने काइन मास्टर में जो करना था वो कर लिए, रोटेट कर लिए। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है क्रॉप एंड ट्रिम वीडियो, क्रॉप एंड ट्रिम वीडियो। इस मतलब इसे आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं डाउनलोड करके रखा हूं, तो बस मैं यहां से आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो आपको क्रॉप एंड ट्रिम वीडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां कोई चीज़ भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली बस एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, वो है यहाँ आपको क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद क्रॉप एंड ट्रिम चेकर इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ करने के बाद आपको जो वीडियो आपने वहाँ से काइन मास्टर में किया था वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, जो कि ये वाला है। ये आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट करना है, कितना आपको जितना लेना है, नहीं तो आप ऐसे अगर बस काइन मास्टर से एडिट करके और अगर अपलोड कर देंगे तो लॉन्ग वीडियो में आ जाएगा ये। आपको शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये चीज़, ये ऐप जरूरी, मतलब आपको बहुत ज़रूरी है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 100%। अगर ऐसे अपलोड करेंगे तो ये लॉन्ग वीडियो में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये वाला जो निशाना में दिख रहा है इसे वीडियो के साइज में जितना में है उतना में कर लेंगे ऐसे। इतना हो गया, इतना होने के बाद हमको क्या करना है, ये रेशियो मतलब यहाँ से रेशियो बनता है शॉर्ट वीडियो का, इस यहीं से शॉर्ट वीडियो, अगर लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहीं से बनेगा, बस आपको क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से फिर हम यहाँ साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ फिर हमें एड देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये फ्री में है तो एड देखने को मिलता रहता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद देख लीजिए यहाँ, मतलब वीडियो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ से हो गया, उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और मान लीजिए हमें ये कहाँ अपलोड करना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है या इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है या फेसबुक पे अपलोड करना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से लॉन्ग वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रिएट ए शॉर्ट, ये हो गया क्रिएट ए शॉर्ट। और अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो वीडियो हमने बना के रखी थी। देख लीजिए ये दूसरे नंबर पर जो दिख रहा है वो है जो काइन मास्टर में एडिट किए थे वो वाला है, और ये जो हमने इस पे इस ऐप पे ऐप के जरिए जो एडिट किया था वो है ये वाला है। तो आपको देख लीजिए दोनों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा यहीं से, तब आपको समझ में आएगा कि इस ऐप की ज़रूरत है कि नहीं है। मैं भी पहले सोचता था यार बस वहाँ से काइन मास्टर से कट करो और वहीं से रेशियो चेंज करो और सीधा अपलोड कर दो यूट्यूब पे, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है, पूरा वीडियो आपका नहीं आएगा वहाँ पे, कट जाएगा आपका वीडियो। तो इसके लिए आप इस ऐप को ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है क्रॉप एंड ट्रिम वीडियो। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर सिंपली मिल जाएगा, आपको नाम पता हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे अपलोड करना है, देखिए अपलोड करने के लिए देख लीजिए ये पूरा फुल वीडियो आ रहा है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्क्रीन थोड़ा मोबाइल का स्क्रीन ऐसे चेंज करके देखना पड़ेगा, बस यही है, लेकिन वीडियो आपका पूरा आएगा इस पर। और यहाँ से डन कर देंगे फिर आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, वीडियो ही पूरा नहीं देखते हो तो सब्सक्राइब क्या करोगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।